प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अज आप गल करांगे छेवीं जमात विशा विज्ञान पाठ नंबर 16 कूड़े करकट की सांभ कूड़े करकट की संभाल और निपटारा। अज आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर करांगे। इस तो इलावा चैनल से सारे पाठों के प्रश्न उत्तर पाए हुए हैं, वो तुसी प्लेलिस्ट विच जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के दिता हुए है। तो वीडियो एक बार देखने दे समझ में ना आए तो उसको दोबारा जरूर देखा करो ताकि प्रश्न उत्तर चंगी तरह समझ में आ सकन ते पेपर के वधिया तो वधिया नंबर आउण। सोचो ते उत्तर दिओ। पेज नंबर 164। प्रश्न नंबर 1, सब्जियां दे छिलके डैश कूड़ा हन, तो बच्चों केड़ा कूड़ा ने यह सब्जियां दे छिलके? यह है जैव विघटनशील। प्रश्न नंबर 2, कंच एक डैश कूड़ा है, केड़ा कूड़ा बच्चों? जैव अविघटनशील। प्रश्न नंबर 3, पौद्या के पत्ते डैश कूड़ा हैं, किड़ा कूड़ा ने बच्चों? जैव विघटनशील। सोचो तो उत्तर दो। पेज नंबर 165। प्रश्न नंबर 1, कंपोस्ट खाद पोषक तत्वों नाल भरपूर होंगी है, सही या गलत दसना है? बच्चों अपने जी कंपोस्ट खाद है वह पोषक तत्वों नाल भरपूर होंगी है, यह गल बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2, जैव अविघटनशील पदार्थों की वरतों कंपोस्ट खाद बनाने कर सकते हाँ? यह है बच्चों गलत। ठीक है, असी जैव अविघटनशील पदार्थों की वरतों कंपोस्ट खाद बनाने लिए नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 3, खाद जैव विघटनशील होंगी है, यह है बच्चों सही। सोचो तो उत्तर दो। पेज नंबर 165। प्रश्न नंबर 1, बर्मी कंपोस्टिंग डैश द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है बच्चों? गंडोए द्वारा। प्रश्न नंबर 2, रसोई के कूड़े जैव विघटनशील की वरतों बर्मी कंपोस्टिंग लिए की जाती है, तो यह है बच्चों सही। सोचो तो उत्तर दो। पेज नंबर 164। प्रश्न नंबर 1, असी शीशे और तंतों का भी पुनर उत्पादन कर सकते हाँ? यह है बच्चों सही। प्रश्न नंबर 2, कूड़े और गैर उपयोगी पदार्थों उपयोगी पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया में पुनर उत्पादन कहते हैं, तो यह है बच्चों सही। खाली थावां भरो। नंबर 1, ठोस कूड़े नूं आम तौर पर डैश कहते हैं, की कहते हैं बच्चों? कचरा। नंबर 2, प्लास्टिक एक डैश समगरी है, जैव अविघटनशील। गुंडोयां द्वारा खाद बनाने नूं डैश कहते हैं, की कहते हैं बच्चों? बर्मी कंपोस्टिंग। नंबर 4, डैश कूड़ेदान की वरतों जैव अविघटनशील कूड़े नूं इकट्ठा करने लई कीती जांदी है, नीला कूड़ा, नीले कूड़ेदान की वरतों। अगे बच्चों अपने सही या गलत दसने ने। ठीक है, सब तो पहला अपना पहला वो है हरे कूड़ेदान की वरतों जैव विघटनशील कूड़े नूं इकट्ठा करने लई कीती जाती है, यह है बच्चों सही। जैविक कूड़ा खतरनाक ते छूतकारी है, सही। कूड़ा करकट सुट्टण लई वरत्या जाण वाला एक बड़ा नीमा इलाका टोए वजो जाणिया जांदा है, गलत। पराब खेत्र वाली जगह पार्क ते खेड़दे मैदान बनाउण लई आदर्श है, सही। काल मूड़ा ते काल माड़ा नूं मिलाओ। जैविक कूड़ा विचों किहड़ा हुंदा है? इह हुंदा दवाइयां ते सिरिंजां। ठीक है, जोगिक कूड़ा इह हुंदी है विचों राख। घरेलू कूड़ा सब्जियां दे छिलके, खेती बाड़ी रहिंद खूंद, झोने दी पराली। सही उत्तर दी चोण करो। हस्पताल का कूड़ा आम तौर पर बच्चों केड़ा हुंदा है? यह कूड़ा आम तौर पर जलाया जाता है, क्योंकि इस विच सिरिंजां टीके जिहा कुछ हुंदा है। नंबर 2, खाद बनाने वाले गंडोया नूं की कहिंदे हन? लाल गंडोए। नंबर 3, केड़ा जैव अविघटनशील कूड़ा है? प्लास्टिक बच्चों? जैव अविघटनशील कूड़ा है। नंबर 4, असी पुनर उत्पादन कर सकते हाँ, किसका बच्चों? असी कंच का ही पुनर उत्पादन कर सकते हैं, तंतों का भी, प्लास्टिक का भी। इस तरह आप सारे ऑप्शन से टिक ला देवे। बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, ढेर तो की भाव है? उत्तर, नीवा इलाका जिस विच कूड़े का ढेर सुटते हैं उसनों ढेर आखते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीले कूड़ेदान और हरे कूड़ेदान विच किस किस्म का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है? पहला के बच्चों नीला कूड़ेदान विच जैव
अविघटनशील कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, उदाहरण पोलीथीन थैले प्लास्टिक कंच और धातु। नंबर दो, हरे कूड़ेदान जैव विघटनशील कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, उदाहरण घरेलू व्यर्थ अखबारा फल। प्रश्न नंबर तीन, पुनरउत्पादन तो की भाव है? किसी पदार्थ जो कि कूड़ा है दी मुड़ वरतों करने नूं पुनरउत्पादन आखते हैं। छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, जैव विघटनशील अते जैव अविघटनशील कूड़े विच अंतर दसो। व्यर्थ पदार्थ व्यर्थ समगरी जिसनों सूखम जीवों की क्रिया द्वारा नुकसान रहित पदार्थों में बदलिया जा सके। व्यर्थ समगरी जिसनों सूखम जीवों की क्रिया द्वारा नुकसान रहित पदार्थों में नहीं बदलिया जा सकता। तो बच्चों जैव अविघटनशील ने यह जैव विघटनशील ने यह कुदरत लई हानिकारक नहीं होंदे, यह कुदरत लई हानिकारक होंदे हन। प्रश्न नंबर दो, वर्मी कंपोस्टिंग की है, यह किवें कीती जांदी है? गंडोयां दी मदद नाल खाद तैयार करन नूं वर्मी कंपोस्टिंग आखदे हन। गंडोए लाल गंडोए मिट्टी नाल व्यर्थ समगरी नूं खा के कंपोस्ट बना दिंदे हन। प्रश्न नंबर तीन, 4RS दी व्याख्या करो। पहला गया मुड़ वरतों, रीयूज दोबारा इस्तेमाल करना, घटाउणा रिड्यूस पैदा कीते कूड़े दी मात्रा नूं घटाउणा। ईड़ी है पुनरउत्पादन रीसाइकल व्यर्थ ते गैर उपयोगी चीज़ां नूं उपयोगी विच बदलना। सस्ता है इनकार रिफ्यूज प्लास्टिक बैगां नूं मना जां इनकार करना, इन्हां नूं वरतना नहीं करना, प्लास्टिक बैगां दी वरतों नहीं करनी। अगे बच्चों वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, व्याख्या करो कि किवें प्लास्टिक एक वरदान है। प्लास्टिक साडी रोजाना जिंदगी दा हिस्सा है, अजकल हर चीज़ प्लास्टिक दी बनी हुई है, जिवें बूट खिडौने बाल्टी पेन ते होर भी बहुत कुछ। यह हल्का लचकदार ते जल प्रतिरोधक हुंदा है, असी अपनी जिंदगी प्लास्टिक तो बिना सोच भी नहीं सकते। प्लास्टिक नूं हेठ लिखे कारणां करके वरदान कहा जाता है। इस नाल तैयार कीतियां चीज़ां की म्याद बहुत ज़्यादा हुंदी है। प्लास्टिक दियां चीज़ां जल्दी खराब नहीं हुंदियां हन, प्लास्टिक दियां चीज़ां बहुत सस्तियां हुंदियां हन, प्लास्टिक दियां चीज़ां भार विच बहुत हल्कियां हुंदियां हन। प्रश्न नंबर दो, कूड़े करकट के निपटारे लिए वरते जाते वखो वखरे तरीकों की सूची बनाओ, किसी एक की व्याख्या करो। कूड़ा करकट अजकल दे संसार विच इक बहुत बड़ी परेशानी है, यह साढ़े हर काम काज तो पैदा हो रहा है। इसका निपटारा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जे इसका सही ढंग नाल निपटारा ना किया जाए तो यह ना सिर्फ साढ़े आले दुआले नूं दूषित करता है, सगों कई तरह दीआं बीमारियां का कारण भी बनता है। कूड़े करकट नूं असीं वख-वख वर्गां विच वंड सकते हाँ। हर किस्म के कूड़े करकट नूं निपटाउण लई वख-वख ढंग वरते जाते हैं। कूड़े करकट नाल नजिठण लई तीन महत्वपूर्ण ढंग हन। पहला हैगा बच्चों कंपोस्टिंग, दूजा हैगा प्राव खेत्र, ते तीजा हैगा जलाउणा। पहला हुण आपां बच्चों एक ढंग बारे गल करांगे, ते उह ढंग आपां जलाउणा बारे गल करांगे। कूड़े नूं विशेष तौर ते बणाईआं भट्ठियां विच जलाया जांदा है, इह कूड़े दी मात्रा घट कर दिंदा है। इत्थे कूड़ा लिखे जाएगा, कूड़े दी मात्रा घट कर दिंदा है। हस्पतालां दा कूड़ा आम तौर ते इस तरह नजिठिया जांदा है, पर इस नाल कई नुकसानदेह गैसां भी पैदा हुंदियां हन जो कि प्रदूषण फैलाउंदियां हन। इस तरह बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं, तो बाकी पाठों के प्रश्न उत्तर भी चैनल पर पाए हुए हैं, वो तुसीं प्लेलिस्ट विच जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के दिता हुआ है। वीडियो वधिया लगे तो इसनूं लाइक तो शेयर जरूर करो, तो एक बार समझ में ना आए तो इसनूं दोबारा जरूर देखो ताकि पेपर के काम आ सके। धन्यवाद।